दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। साथियों, मैं लेकर आया आपके लिए एक और नई वीडियो। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक शोकेस है। तो दोस्तों, मैंने शोकेस को किस तरीके से बनाया मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। दोस्तों बस मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको बारीकी से बताना चाहूँगा। तो मैं उन नए कारपेंटर को जरूर बोलना चाहूँगा कि इसको बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसका जो साइज होगा, उस साइज का भी विशेष ध्यान देना है। कहीं से भी अगर कहीं मिस्टेक से भी गलत कट गया बोर्ड, तो वो जगह आपको बेकार हो जाएगी, बोर्ड आपका बेकार हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका नाप तौल। दोस्तों यहाँ से इसकी जो लंबाई है, ये 5.5 फीट इसकी लंबाई है, और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, ये है मात्र 3 फीट। 3 फीट इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों, हमने जो ये खान बनाए हैं वो किस तरीके से बनाए हैं। इसकी जो गहराई है दोस्तों, इस टॉप की हम बताना चाहेंगे। ये जो टॉप है नीचे का, ये 6 इंची रहेगा आपका, 6 इंची इसकी गहराई रहेगी। और अंदर वाले जो रहेंगे ये दोस्तों 5.5 इंची रहेंगे। ठीक है, अभी आपको इसमें स्लाइडिंग का ग्लास जो है चलेगा, और कैसे चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दूँ, ये जो आप ऊंचाई देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये मात्र है आपकी 11 इंची। ठीक है, ये आपकी 11 इंची रहेगी, और 11 इंची आपकी यहाँ रहेगी, और 11 ही यहाँ रहेगी। यानी कि तीनों जो खन होंगे वो 11 इंची के, 11 का ये और 11 का ये यहाँ रहेगा। तो तीनों को सेम बराबर ले लेना है। इसके अलावा आपका ये जो बॉक्स है दोस्तों, ये 39 इंची का बनेगा, 1 कम 40, यानी 39 इंची का आपका 3.5 फीट का रहेगा ये दोस्तों। ये आप देख पा रहे हैं कि 39 इंची आपका बीच में रहेगा। तो इसका ध्यान देना, आपको 39 इंची रखना है, और ये 11 रहेंगे आपके सारे सारे। इसके बाद आपकी ये जो लगे हुए साइड में, ये 12 इंची रहेगा, ये जगह आपकी जो है 12 इंची रहेगी, वैसे ही 12 इंची आपकी वहाँ रहेगी जगह। तो इस तरीके से आपको ये फ्रेम तैयार कर लेना है। और ये जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये बीच का टोटल अगर आप इसमें देंगे तो ये करीब 12.5 इंची बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 12.5। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस फ्रेम को फिलहाल तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करने के बाद इसमें स्लाइडिंग काट चलेगा। तो दोस्तों इसमें स्लाइडिंग काट चलेगा, इसमें बैक साइड में प्लाई लगेगी, और इसके अतिरिक्त एक चीज और, इसमें एक 3 इंच का बॉर्डर आना है, चारों तरफ से 3 इंच का बॉर्डर आना है। वो किस तरीके से आएगा, बस वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने फ्रेम तैयार कर लिया है, नाप तौल आपको बता दिए। तो आपको दोस्तों 3 इंची की बोर्ड कटिंग करना है, यानी 3 इंची की जो बोर्ड कटिंग मैंने किया है, इसको शोकेस के 1.25 इंची बोर्ड के ऊपर ठोक देना है, क्योंकि आपको 3 इंची का बॉर्डर आपको दिखाना है। तो इसके शोकेस के 1.25 इंची के बॉर्डर पर लगातार 1.5 इंची चौबे से ठोक देना है। तो आपका जो है चारों तरफ से 3 इंची का बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 इंची का बॉर्डर आपका बन के तैयार हो जाता है चारों तरफ से। अब आपको बता दें कि अंदर अंदर जो है 5.5 रहेगा और 3 फीट रहेगा, 5.5 इसकी जो लंबाई है, 3 फीट जो चौड़ाई है। बाहर बार अगर आप नापते हो तो इसे 72 इंच इसकी लंबाई रहेगी, और 3.5 फीट इसकी चौड़ाई, यानी कि 42 इंची चौड़ाई रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों 3 इंच का बॉर्डर बन चुका है, और अंदर का मैंने आपको बता दिया, 5.5 के बोर्ड रहेंगे। तो 5.5 के बोर्ड रहेंगे, ये देखिए बैक साइड है इसकी, ये बैक साइड में आप खाली जगह देख रहे हैं, ये डबल बोर्ड कर दिया है, 1.5 इंची का डबल बोर्ड ये हो गया है, इसीलिए 3 इंची का बॉर्डर आगे निकल के आ रहा है दोस्तों। बस इसी तरीके से आपको इसको बना लेना है, आगे 3 इंची का बॉर्डर बन के आ जाएगा, 1.5 इंची की टक्कर आगे जो है निकलती रहेगी, तो 6 आपका बोर्ड चढ़ेगा, और 1.5 इंची वो, यानी कि 7.5 फीट आपका बन जाएगा। तो दोस्तों आपका शोकेस कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे, इसकी जो ऊंचाई है वो 42 इंची है, और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 72 इंची रहेगी। इसका जो बेस है दोस्तों, ये आपका 3 इंची का फ्रेम बनाया मैंने, मैरून जो माइका लगा रखी है, 3 इंची का लगा रखा है। इसका जो टोटल गहराई जो रहेगी 7 इंची रहेगी। अंदर के जो पट्टे आप देख पा रहे हैं, तो सफ़ेद माइका लगा रखी है, इसमें जो 5.5 इंची का बना रखा है, ये सारे जितने भी अंदर लगे हुए 5.5 इंची के बने हुए हैं। इसके अलावा आपको ये बटन वाला बता दें, ये जो पेच है 2.5 इंची का लगा रखा है, इसमें बटन लगी हुई है, और इन्हीं बटनों पे ये रुका हुआ है, यानी कि इन्हीं पेचों पे ये सारा शोकेस जो है हैंग कर रखा है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा बना हुआ शोकेस, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भूलना मत भूलिए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।